महान जल यात्री का स्वागत करें, जोरदार ताली बजाने की कृपा आप सारे लोगों से हमारा बोलते हैं। हम लोग जो शुरुआत किया, हमने हरिद्वार से शुरू किया है ये यात्रा मिशन गंगे, जो कि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नमामि गंगे के साथ में मिलकर हम कर रहे हैं। और अभी तक हम बहुत, हमारा दो उद्देश्य है, एक तो है कि जो गंदगी फैली है गंगा माँ, जिसको माँ कहते हैं लेकिन इतना प्रदूषित हो चुकी है, उसमें हम लोग जाके उसको सफाई करना, जितना हो सके ईमानदारी से सफाई करना। और ये हाँ, और दूसरा है कि लोगों की मन की सफाई करना, मन की स्वच्छता बनाना, उन पे अवेयरनेस लाना कि लोगों को ये बताएं कि हम जो कर रहे हैं आप लोग भी करें, और इसको जन जागरूक मैं कह सकती हूँ। और हमने करीब 20,000 स्कूल 20,000 बच्चों से ये इंटरेक्शन हम लोगों ने किए हैं, और करीब 40,000 किलो गार्बेज भी उठाए हैं। और जब भी टाइम मिलता है हम लोग जो भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि लोग दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, हमारी सोच में, एक तरफ गंगा माता और दूसरी तरफ उसमें सारे कचरा हम देखते आ रहे हैं लगातार। कई कई जगह तो ऐसे कि उसको लैंडफिल बना दिया गंगा माँ को, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे। और बस इस अभियान में निकले, इसमें टाटा मोटर्स ने हमको एक बस, एक लग्जरी बस दी है, क्योंकि हमारे 40 लोगों की टीम है, और वो 40 लोगों की टीम में 8 तो एवरेस्टर्स हैं जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया, 5 IITians हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो ये लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं सोचती हूँ ये जो गंगा में जो प्रदूषण है, ये पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि काम कोई छोटा नहीं होता है, लोगों की सोच बड़ी होती है। कहाँ से शुरू की है आप? हरिद्वार से। कहाँ तक के लिए? हरिद्वार से पटना तक के लिए। और कितने दिनों की यात्रा पे आप? 1500 किलोमीटर तो हम राफ्टिंग करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम लोग 3-3 दिन एक एक बड़े शहर में रह के हम लोग अवेयरनेस का, खासकर स्कूल्स के बच्चों को, ताकि वो बच्चे, आज के बच्चे कल के भारत, है ना, सभी बोलते हैं, और ये सच में है कि इस उम्र में अगर उनके अंदर में ये जागरूकता आएगी तो आगे जाके वो लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अंधविश्वास से उठ करके, और गंगा माँ जो हमारी धरोहर है, जो हमारी जीवन रेखा है, बहुत कुछ पता है सबको, और उसको उसको हमको उसका उसको सही माने में पूजा करना है, आस्था के साथ जिम्मेदारी आनी चाहिए। और ये गंगा अभियान ये मेरा पहली बार नहीं है, ये मैंने 1994 में भी किया था, और तब महिलाओं के लिए किया था कि महिलाओं को भी आगे निकालना चार दीवारी से, और इस तरह से जो हार्डकोर एडवेंचर वाला स्पोर्ट है उसमें भी वो आगे आए। और तभी से ये एक सपना था कि मैं जब नेक्स्ट टाइम हम एक टीम के साथ आएंगे तो हम लोग क्लीनिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे, और वो हम कर रहे हैं अभी। 3 दिन काशी में क्या करेंगे? वो सारा प्लान हमारे पास है। हेमंत गुप्ता, उत्तराखंड से आप चली हैं, बनारस पहुंची हैं, क्या देखा गंगा में? देखा कुछ बदलाव नजर आया कुछ? गंगा को तो बहुत ही पीड़ादायक अनुभव रहा है हमारा। हरिद्वार से जैसे नीचे आते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, और वैसे भी गंगा से तो हमारा नाता ये मेरी माँ ने मेरे संस्कार से ही दिया है। एक छोटे से गांव से रहती हूँ जहाँ पे भागीरथी सामने बहती है, जब भी कोई त्यौहार होता है तो रोज़ गंगा स्नान करना, और माँ ने हमेशा ये बताया कि माँ के अलावा गंगा माँ होती है और गाय माँ, ये दोनों चीज़ें मेरे बिल्कुल खून में महसूस हूँ है। और मुझे ये मौका मिला ये सफाई का, ये अभियान में आने का, लोगों में जागरूकता फैलाने का, सिर्फ एवरेस्ट की ऊँचाई चढ़ के या बड़े बड़े अचीवमेंट से हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को जन जागरूक करें और अपने आप आगे आए।